हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने बजट को लेकर उद्बोधन दिया, क्या कुछ खास रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी का विस्तार से हर सेक्टर पर जो बजट में प्रावधान किया गया है उस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की और देश के आवाम के लिए, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, गांव हो, गरीब हो, हर वर्ग, हर तबका के लिए जिनका जीवन आसान और होने वाला है हुआ ही है। पानी में पानी 70 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, उस पर 60,000 करोड़ रुपया वर्तमान बजट में हो, 40,000 करोड़ रुपया घर घर में पानी शुद्ध मिल जाए उसकी व्यवस्था करने, इस पर कोई चिंता किया था? इसलिए मैं समझ सकता हूँ किसानों के लिए जो हित का काम किया गया है वो अभूतपूर्व है। इस बजट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए जो किया गया है वो भी अभूतपूर्व है। यानी केवल बजट में खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। अखिलेश यादव, आरजेडी और विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं कि इस बजट में तो आम जनता को गुमराह, विपक्ष को, विपक्ष ने तो बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, अपने प्रदेश को बर्बाद किया। अब और इनके हाथ में कोई सत्ता देने वाले नहीं, इनको समझ में नहीं आएगा, बजट का अध्ययन करें। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।